क्योंकि हाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर कट है कि एफिडेविट लेना कंपलसरी है, बट एफिडेविट उन्होंने लिया नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पेपर डिक्लेयर कॉपी है कि एफिडेविट पति और पत्नी दोनों ने लेना कंपलसरी है, लेकिन फिर भी वो किया नहीं है, और इसलिए हम उनके ऊपर कार्रवाई हो इसलिए हम हाई कोर्ट के सामने, औरंगाबाद हाई कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठने वाले न्याय मिले। हमारा कहना यही न्याय मिले। हमारे पास से अभी 18,000 के ऊपर केसेस चल रहे हैं, और हमारा कहना है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिससे पोर्टगी बंद होती है, और जिससे पोर्टगी अभी तक पोर्टगी बंद नहीं हो रही है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो तालुका और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये अप्लाई नहीं कर रहे। सेम केस है 2018 का, ये भी 2018 में केस फाइल हुआ है, और 2021 में डिसीजन होके पति को जेल भी हो गई। सेम केस पुणे में है 168/2018 जिसमें अभी तक सादा कोर्ट का क्या समझ तक निकालने की हिम्मत सादी कोर्ट की नहीं हुई, उस कायदे की भी नहीं हुई, तो ये क्या चल रहा है? 3 साल से समझ नहीं निकल रहा है। और ये अच्छा, हमारा कहना सिर्फ ये है कि जब पुरुषों के ऊपर अन्याय हो रहा है तो पुरुषों के लिए कायदा क्या है? हम पुरुष हक का आयोग बनाओ, ये डिमांड कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं हुआ है। पुरुषों के लिए कायदा बनाओ, अभी तक नहीं हो रहा, लेकिन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए। बहुत सारा आखिरी सवाल, हाँ बोलिए, ये है आप क्यों कोर्ट की बंद होने के ऊपर अमरण उपोषण पे बैठ रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है कोर्ट में? क्योंकि इससे फ्रॉड केसेस आ रहे हैं और युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। ना महिलाओं को न्याय देने की हिम्मत उस देश रहे और दहशतवादी कायदे में नहीं है, और ना पुरुषों को न्याय देने के लिए कायदा बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ कायदा बने जिससे पति को भी न्याय मिले, पति को भी न्याय मिले। मैं ज्योतिष आचार्य अतुल झाजड़।